सारे नहीं पिछला कैमरा चला, कैमरा ऑन कर लेते हैं, पिछला चला लाइव चला, लाइव मुंह के नजदीक और थोड़ा वो ही लगा। अच्छा अब एक बार कैमरा कर ले भाई, बैक कैमरा कर ले, बैक कैमरा से का हां बैक कैमरा कर ताकि सारे दिख पा, कोई ये बात हो रही है भाई। सारे भाइयों ने राम राम, हर एक बार ज्यादा से ज्यादा इस पेज पर जुड़ जाओ, क्योंकि जुड़ भी जाओ और शेयर भी कर दो, क्योंकि जो इस पेज का जो जो संभालता था, जो समाज सेवी था, वो आज हमारे वैसे तो बीच में नहीं है, लेकिन उनके प्रतिनिधि लगा लो या उनके छोटे भाई लगा लो या उनके समर्थक लगा लो, उनके नाते जो आज जो यहाँ जुटे हैं, जो मामला है वो आप लोगों के सामने करेंगे। एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई, ताकि भाई ने न्याय मिले, और जो बात हम बतावांगे के रीज़न है क्यों उनको जेल भेजा गया है वो सारी बात होंगी। तो आज एक दिन पहले अरशिकारा जी को दीपावली से सिर्फ एक दिन पहले ही क्यों जेल भेजा गया, इसका रीज़न हम आप लोगों को बताएंगे। और इसमें सारे भाई जुड़े हैं, विकासी सर भाई, अजीत दनाना, सुनील पावरिया भाई उर्फ अमित उर्फ सतवाल भाई, और बबलू मिर्चपुर वरुण भाई, सारे भाई जितने भी नाम नहीं ले सकता, सभी भाइयों का, लेकिन सभी भाई जितने भी जुड़े हैं इकट्ठे हुए हैं, उसका रीज़न यो है कि आज भाजपा सरकार ने भाजपा की जो अभिनेत्री है वीर साहू और सपना चौधरी जी ने जो अरशिकारा के ऊपर एक छोटी सी पोस्ट डाल ली थी आज से कुछ दिन पहले, कि वीर साहू और सपना चौधरी को पिता बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं, एक इस छोटी सी शुभकामना के ऊपर, एक बधाई देने की जो पोस्ट के ऊपर आज अरशिकारा जी को एक दिन पहले जेल भेज दिया गया है। जेल क्यों भेजा गया है? सिर्फ और सिर्फ बधाई देने के कारण। बधाई देने का यही था कि सपना चौधरी एक महीने पहले जो है एक पिता और एक जो माता बनी है अपने जो बच्चे की, उनके लिए अरशिकारा जी ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी कि भाई दोनों को शुभकामनाएं। उस शुभकामना के ऊपर लोगों ने, देखो लोगों का अपना अपना विचार है, उस पर किसी ने भद्दे कमेंट किए, उसकी हम भी भाई निंदा करते हैं, इस चीज़ की हम भी इस चीज़ के समर्थक नहीं है कि भाई गाली गलौज की जाए, उनको अभद्र बोला जाए, क्योंकि माता पिता बनना कोई पाप नहीं है, उनकी एक अपनी पर्सनल लाइफ है, उसके लिए हम भी कुछ नहीं कहेंगे, ना हम उस चीज़ में हम भी भाई राजी हैं कि भाई अच्छा है, अपना घर बसाया है, लेकिन लोगों ने उस पर भद्दे कमेंट किए, लोगों की अपनी अपनी राय है, पर उस एवज में अरशिकारा को जेल में भेज दिया गया है। आज ही के दिन, अभी जस्ट 2 घंटे पहले अरशिकारा जी को जेल के अंदर डाल दिया गया, सिर्फ दिवाली से एक दिन पहले। आप सभी भाइयों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि समाज सेवा करना कोई पाप है? समाज सेवा करना इतना बड़ा अपराध है? या किसी को माता पिता बनने पर अगर बधाई देना वो पाप है कि उसको जेल के अंदर डाल दिया जाए? भाजपा जो है सरकार अपनी तानाशाही दिखाते हुए, आज से 21 दिन पहले मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन जस्ट दिवाली से एक दिन पहले जो आपका बेटा रशिकारा, आपका भाई, आपका समर्थक, किसी को भी पूरे हरियाणा नहीं पूरे भारतवर्ष में कहीं भी तकलीफ होती थी, वो आपके एक फोन और एक पोस्ट और एक मैसेज से आप लोगों के पास पहुंचता था, यहां तक कि MP तक उन्होंने मदद की है, किसान भाइयों के जो धरने प्रदर्शन हुए वहां पर उन्होंने मदद की, उस एवेज में आज अपने भाई, आपके बेटे अरशिकारा को, एक किसान के बेटे, गरीब परिवार के बेटे को जेल के अंदर अपनी पावर का प्रयोग करते हुए दिवाली से एक दिन पहले जेल के अंदर डाल दिया गया, ये बड़ी निंदनीय घटना है। और आज उसका जो अरशिकारा का जो परिवार है, जो उनका बेटा, आज वो दिवाली जो कल जो बनाने थे, जो त्यौहार था, वो उनका इंतजार कर रहे हैं, उनको इवन तक ये नहीं पता कि उनके पति को, उनके पिता को जेल के अंदर डाल दिया गया है सिर्फ एक बधाई देने के उपलक्ष में। ये कौन सा जुर्म है? ये भारत देश का पहला ऐसा कानून देखा है जहां जन्मदिन पर सिर्फ मुबारकबाद देने के कारण अरशिकारा जी को जेल के अंदर डाल दिया गया? कौन सी तानाशाही है ये? कौन सा कानून है ये? इवन इतना बड़ा भी अपराध नहीं था कि जिसके अंदर भी जमानत ना हो, पर जमानत ना होने दी गई, प्रशासन पर इतना दबाव डाल दिया गया, अपनी भाजपा सरकार ने जो अपना जो प्रयोग किया, जो अपनी पावर दिखाई है, उसका दुरुपयोग करते हुए
उन्होंने अरसिकारा जी को दो दिन के अंदर जेल के अंदर डाल दिया गया है। इसके माध्यम से हमें यह भी नहीं पता कि आगे आने वाले टाइम में उनको जमानत मिलेगी कि भी नहीं मिलेगी। बड़ी निंदनीय घटना इस मामले में। सारे भाई इकट्ठे हुए, बबलू मिर्चपुर भाई, सुनील पावरिया भाई हैं, अमित सतपाल जी हैं, भाई विकास सीसर से हैं, अजीत धनाना से हैं, सभी भाई जो हम इकट्ठा हुए हैं, सभी से राय मांगूंगा, सभी से एक एक करके अपना विचार रखेंगे। और मैं यही सभी से यही गुजारिश करूंगा कि इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने अपने फेसबुक से भाई के लिए जस्टिस मांगे, न्याय मांगे, इस अन्याय के खिलाफ आवाज खड़ी करी जाए। दोस्तों, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि एक समाज सेवी को, जो समाज का काम करता, समाज का बेटा, आज वो अपने घर पे दिवाली भी नहीं बना सकता। क्या आप भी दिवाली बनाओगे? भाई ने दिवाली नहीं बनाई, जेल के अंदर बनेगी भाई की दिवाली भी, क्या आप लोग अपने घर पे दिवाली बनाओगे? आज सबसे ज्यादा जो समाज के लिए खड़ा होता था, बहन बेटियों के लिए खड़ा होता था, किसान के लिए खड़ा होता था, हर कमेरे वर्ग के लिए खड़ा होता था, आज वो जेल के अंदर डाल दिया गया है। भाई, बड़े दुख की घटना है। हम सभी साथी जो आज जितने बैठे हैं, जितने इकट्ठा हुए हैं, हम शपथ लेते हैं इस चीज़ की कि जब तक अरसिकारा भाई जेल से बाहर नहीं आएंगे, और कल हम भी दिवाली नहीं मनाएंगे। भाई सारे भाई एक बार, सारे भाई पीछे से ले, भाई सारे भाई जितने बैठे हैं सारे शपथ लेवाएंगे, जब तक अरसिकारा को जेल से नहीं निकाला जाता, हम सारे भाई दिवाली नहीं बनाएंगे। और आंदोलन लगातार चलता रहेगा। हमारा प्रयास यही रहेगा कि सरकार से यही मांग रहेगी, और जब तक यही आंदोलन रहेगा कि अरसिकारा को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकाल दिया जाए। जो आपने अन्याय किया है, जो आपने अपनी पावर का जो दुरुपयोग किया है, उसको गौर किया जाए। और आज से एक महीने पहले जो महम ऐतिहासिक चबूतरा रहा है, जहां पर भाईचारे की नींव रखी जाती थी, वहां पर गुंडागर्दी की जो स्टार्टिंग की गई थी, जो वहां शुरुआत की गई थी, वहां पर 70 आदमियों के ऊपर भारत जो हरियाणा सरकार ने कोविड 19 के चलते हुए 70 आदमी पर मुकदमा किया था, उनको तो जेल के अंदर बुलाया नहीं गया, उनको डाला नहीं गया, उनको थाने तक नहीं बुलाया गया, और अरसिकारा को सिर्फ एक बधाई देने पर जेल के अंदर डाल दिया गया। कौन सा न्याय है? कहां का न्याय है? एक समाज सेवी जो आपका बेटा, आपका भाई है, जितने परिवार, जिनकी मदद की, जिनके साथ खड़े हुए हर मुसीबत में, आज कोई भी मेरे ख्याल में उनके साथ लगता नहीं कि आज उनके साथ कोई खड़ा होगा कि भाई, मैं सिर्फ यही चाहता हूं, जितने मेरे भाई हैं यही चाहता हूं कि उनके साथ खड़े होके कम से कम एक पोस्ट और उनके लिए न्याय की मांग की जाए, और उनको जल्द से जल्द जेल से बाहर निकाला जाए। बाकी की जो आगे की बात है, अपने भाई बबलू मिर्च सर, सुनील पावरिया भाई, हर विकासी सर जी बताएंगे। भाई सारे भाई राम राम। भाई मैं तो इतना कहना चाहूंगा, आज तक एक महीने पहले मैं उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, और वो मुकदमा दर्ज हुआ था ऐतिहासिक चौबूतरे पर जाकर गुंडागर्दी और वाहियत अपना जो उन्हें कराया था, जो अपना माहौल खराब करने का काम उसने कराया था, उसने संधक आके भाई अरसिकारा से बकवासबाजी करी, अपनी हवा बनाने के चक्कर में उसके साथ दुर्व्यवहार से बातचीत करी। लेकिन भाई मैं फिर भी कहूंगा, अरस भाई इतना ठंडा था, उसने समाज की सेवा करनी थी, उसने कभी उसके साथ बदतमीजी नहीं की, कभी कोई बदतमीजी वाली बात नहीं करी, कोई लाइव में बकवास नहीं करी। और उस ये देखो आप, इतना सब कुछ होते हुए भी उसको दिवाली से एक दिन पहले बुलाकर जेल में डाल दिया गया। उस वीर शाह पे एक महीने पहले मुकदमा दर्ज हुआ था, वो आज तक थाने में नहीं बुलाया गया। बीजेपी सरकार है, लोगों की भलाई करने के लिए है, ना कि लोगों के साथ अत्याचार करने के लिए। आप स्पष्ट देख रहे हो कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। अभी मैं आपको भाई की सीधी डायरेक्ट बातचीत सुनवाता हूं। लोग ऐसी स्थिति में ये सोचते हैं कि भाई घर जाकर मेरे बालका ने संभाली हो, भाई भाई उड़ जाकर मेरा यो काम करियो, भाई उस मेरे रिश्तेदारी में नौकरी हो। लेकिन भाई की जबान पर कोर्ट के अंदर एक ही बात थी, एक भाई 17 तारीख ने एक बेटी बहनी है, 22 तारीख ने एक दिगल में बेटी बहनी है, जितनी होश का भाईचारा है मिलकर अपने तुम मदद कर दियो, आई पाछा जो मेरे तो होगा मैं भाई का वापिस दूंगा। तो यो है भाईचारा, ना तो नूक है वो, जब उसने भाईचारे तो उस तो समाज से लगाव नहीं होता ना। भाई मेरे बड़का दही फुलझड़ी ले दियो, भाई मेरे बड़का दही मिठाई ले दियो, भाई रे मेरा छोरा चक्री चलाओगा, सब ये बात सोचा रहे। लेकिन उस भाई का फिर भी नू थी, दो छोरी है भाई इतने इस्तेमाल दियो, ये भाई एक बार ये कौन है, फिर दिखा देंगे बाद में, दिखा या वीडियो भी करवा देंगे भाई। तो नू देखो आप, उस भाई का जमान पर नू थी, भाई मेरा जो मुहिम है, जो मैं समाज सेवा है मेरी, वह नू की नू चलती रहनी चाहिए मेरी गैरहाजरी में। तो भाई उस भाई की कहाँ तक आप वो करोगे? और इसने देखो, अरे दिवाली का त्यौहार,
युगल छर रहे उठावन नशेड़ी आदमी है। और उस भाई ने जेल, भाई देखो आज उसके साथ लाइव में भाई आया था, उसने कही थी कि आज मेरे साथ हो रहे, कल और किसी के साथ हो रहे, आज मेरे साथ हो रहे, तड़के और किसी के साथ हो, बारी सब की आनी है। किसानों के फेवर में विरोधा इलेक्शन में भाई का बोलना आज उसके जेल का कारण है ना। वो भी अपने बड़का के दीवेला हुए, दो दिन पहले उसकी आपने पोस्ट भी देखी थी, दीवे खरीदे थे उस, जिससे दीवे खरीदे प्रजापत जो हमारी माता थी बहन थी, उसको 200 सूट और 500 रुपये भी अपनी तरफ से दिए। उसको क्या पता था कि जो दिए हुए आज वो खरीद रहा है वो उसके घर पे ही नहीं लगेंगे। तो भाई सारे भैया तो रिक्वेस्ट है, भाई की आवाज मजबूत करो, उसकी मुहिम को मजबूत करो। धन्यवाद बबलू मिर्च। सारे भाई पहला तो राम राम भाई। मेरे ख्याल था रसगारा न पूरा देश में, पूरा एशिया के अंदर ऐसा आदमी नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। आज उसने सजा किस चीज़ की मिली है, जो समाज का तिर कर दायरा है, जिस समाज खातर उसने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, राज फ्री में जेड़े काटने लग रहा है इस समाज खातर, उसका कसूर के था सिर बधाई देना। इस 130 करोड़ की संख्या इस देश के अंदर, 130 करोड़ आदमी आज एक दूसरा ने दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दंदे पाऊंगे, बधाई दंदे पाऊंगे। मेरे ख्याल आज तक का इतिहास में कदे भी बधाई देने पर कदे मुकदमा ना लग गया होगा। इस देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज सुबह उसकी पोस्ट देखी मैंने, उनकी भी आ रही थी, उनका ला दिया को मुकदमा, सह किसी नहीं मदीन को मुकदमा लाने की, अगर भाई तू बधाई देने लग रहा है तेरे मुकदमा लुवाओगे मम। पहली बात। दूसरी बात यह है जो उनने वाहियात पणिया करार घटिया अपना अपनी ओछी और जो टुच्ची मानसिकता दिखाई, मैम चबूतरा पे जो ऐतिहासिक चबूतरा है 350 शहीद हुए थे, जब उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था उसके ऊपर चबूतरा बनाया गया था उनकी याद में, और 70 जने पर उस टाइम पर खाप ने जो मैम चौबीसी की जो खाप है मुकदमा दर्ज करवा था, इन वाहियात किस्म के आदमियाँ जो चबूतरा बदनाम करने की कोशिश करी थी जो उसकी वो पूरा देश के अंदर, तो उस टाइम पर वो दिखाया था 70 आदमियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया था, मगर एक आदमी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, सिर्फ एक सिंगल आदमी की भी। इसका कारण के था, इसका सबसे बड़ा कारण यूँ था, सपना चौधरी जो भी नेत्री जो सपना चौधरी है वह भाजपा की एजेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रेशर था। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट तक प्रेशर था कि यार अच्छा कारण है, कुकरे कुकरे काबू में करो, काबू में कुकर आओगा, काबू में ये नुआ होगा, अगर इसके ऊपर कुछ भी करो प्रोपगंडा रचो या कोई झूठा मुकदमा तैयार करो। झूठा मुकदमा किसने तैयार करवा दिया? भाजपा की जो भी नेत्री है सपना चौधरी, उसने झूठा मुकदमा लुआया कि किसने मेरा तो बधाई दे दी। अरे भले मानसो बताया तू बधाई देने पर कद मुकदमे दर्ज होने लगे? अगर जो मुकदमे दर्ज हो हैं तो भाई मन अलग है तड़कन कद, मैं भी मेरे ख्याल से किसी ने बधाई ना दूँ, सिर्फ एक और बधाई दे दी, मुकदमा भी दर्ज कर दिया, कोई बात को नहीं, एक नया इतिहास रच दिया इस देश में, और वो मुकदमा भी इतना बड़ा दर्ज कर दिया, इतना बड़ा दर्ज कर दिया, कोर्ट में गए जमानत भी ना होने दी, फोर्स बुला रखी थी बाहर की, बताओ फोर्स का के काम था, को आतंकवादी था कि वो उसने पकड़ने खातिर फोर्स बुला रहे थे। हाँ भाई, तुम्हारे सारे भाइयों तय यह रिक्वेस्ट है भाई, अगर सकारा नू लग गया था हमने समाज खातिर उस भाई ने कि मैं कराया है आधी रात ने गरीबा खातर कमेरा उरा खातर किसान खातर मजदूर खातर काम आया है अपना निस्वार्थ भाव तो सेवा करी है, तुम्हारे सारे भाइयों तय यह विनती करो मेरे भाइयो, उसने आज सपोर्ट करो, उसने तारी जरूर सहज, और जितने भाई देखने लग रहे इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो, पहली बात। दूसरी बात, अपने जो भी तुम फेसबुक पर जो भी आईडी चलाओ, जो भी तुम पेज चलाओ, सारे भाई जो भी उस भाई की सपोर्ट में उतरे आओ, और जो से डिस्ट्रिक्ट के भाई हैं तहसील लागे डिस्ट्रिक्ट लागे अपने ज्ञापन दे और पुतले फूको इस हिटलर सरकार के। तो भाई सारे भाई राम राम, भाई सारे भाइयों ने राम राम। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा भाई सारे भाइयों ने, एक तो इस देश में बधाई देना है जुलम हो गया भाई, कोई जन्मदिन की बधाई ना दियो, दीपावली की बधाई ना दियो, और किते कानून की किताब में बधाई देना जुलम किते नहीं लिख रखे। और दूसरी बात, जितने भी साथी समाज सेवी इस पेज तक जुड़ रहे हैं या रस्यकारा तो या हमारे वर्ग के साथियों तक जुड़ रहे हैं, मैं आ रहा एक किसान नेता के तौर पर नहीं आया, मैं एक भाईचारा के तौर पर आया हूँ। मैंने मेरी ज़िंदगी में पिछले 10-12 साल तक लगातार समाज सेवा के फील्ड में हूँ, समाज सेवी घर गिल है, मैं भी अपना अपना समाज सेवी कहूँ।
लेकिन मेरी औकात इतनी नहीं है। अगर मानस मरता और मैं 50,000 रुपये या 10,000 रुपये 20,000 रुपये किसी ने दे दूं, अरस चकारा मात्र इस देश में मैंने ऐसा साथी देखा है मेरे जीवन में, जो किसी की लड़की ना ब्याही जाओ थी, कोई अपना इलाज ना करवा पाओ था, किसी भी समस्या में कि कोई बात होंगी तो पीछा तो मदद करी, करोड़ों रुपया तो मदद करी। और इस देश में अभी नेता भी हैं पूंजीपति भी हैं, कोई 5 रुपये मदद किसी गरीब आदमी की नहीं कर सकता। और उसने मदद जो करी ने, बिना जाति देखी, बिना धर्म देखी, अमीर गरीब देखी, सबकी मदद करी। कितने भी कोई भी भाई ने बुलाया तो उड़ा साथी खड़िया मिलया, चाहे किसान की बात होंगी चाहे मजदूर की बात होंगी। और भाई आज अरस चकारा के ऊपर बिल्कुल नाजायज वाहियात मुकदमे दर्ज करवाए कि ने, बीजेपी की एक अभिनेत्री है, मैं तो न कहूँ बीजेपी को नहीं, या तो इसी पार्टी होगी, इसमें तो वॉशिंग मशीन होगी, भ्रष्टाचारी ने डाल दो, चाहे इसमें किसी भी मल्ला कुचल्ला किसी आदमी ने डाल दो, उसे ना ये तो साफ करके साफ बनाए दे हैं। या सपना चौधरी समाज के लिए, मैं तो न कहूँ अपवाद दे एक समाज के लिए, जिसने वाहियात किस्म के डांस है, गीत हैं, तरह तरह के समाज में अपवाद दे फैलाए हैं। आज उसका समाज के प्रति, समाज सेवा में कितने सपना चौधरी एक वीर साहब ने 5 रुपये दिए हों, तो कितने किसी बालक की, किसी छोरी की सगाई में, एक ब्याह में, कितने जो छाती में बटन तो खोल खोल दिखावा दे भाई, कितने 5 रुपया सारा भी ला के दिखा दो। और रिश्तेकारा के लिए रीस करनी है तो रीस तो जब बनाए उन भाइयों की, जो मर्दे भाई हैं जिन्हें जीवन में जरूरत है, उनकी मदद करके दिखाओ। लेकिन उस उल्टा ये करके रही है, जो समाज सेवा करने वाला भाई था उसके खिलाफ में मुकदमे दर्ज करवाया कि उसने जेल में डाल दिया। दिवाली के ऊपर बहुत ही घटिया किस्म का प्रशासन का रवैया है। और सारे भाइयों, तो मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, इस बात ने इतना उठाओ कि प्रशासन को, सरकार को ये पता चला कि भाई वो अरस चकारा अकेला नहीं है। आज अरस चकारा की को वास्तव में तारी जरूरत है। सारी उम्र अरस चकारा तारक है, तरंड है, तारी भी जिम्मेवारी बनाए कि आज अरस चकारा की मदद करो, भाईचारा अपना निभाओ।